एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्राइडे और मैंने जस्ट शावर लिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू दे पराठे, आलू के पराठे और ठंडी दही के साथ। मेरी आँखें काफ़ी सूजी हुई लग रही है क्योंकि मेरी आँखें जब भी मैं सो के उठती हूँ तो ऐसी रहती है। ये मेरी दोपहर की नींद के बाद हुआ है, मैं अभी लंच बनाने जा रही हूँ। सुबह एज़ यूजुअल हटो बोनी, हमने सैंडविच खाए थे। अले बोनी, हाँ सैंडविच खाए थे। और गाइस, मेरी मेड ने मार्च के अंदर अंदर 10 छुट्टी ली है, वो फिर नहीं आई पता नहीं किस खुशी में। अब वो क्या करती है, वो चार घर आती है और चार घर नहीं आती है। तो मुझे ये बुरा लगता है कि आप आओ तो सबके यहाँ आओ, वरना झूठ मत बोलो। मतलब झूठ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं जो सामने आंटी रहती हैं मैं उनसे भी पता करती हूँ तो वो बोलती हैं आई हैं, तो सीरियसली वो झूठ बोलती है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने एक मेड और रख ली है जो अलग से काम करेगी, इसको मैं एक काम दूंगी, उसको मैं चार पांच काम दूंगी क्योंकि वो थोड़े देर तक रहेगी। और दिन ऐसा रहा कि मैं जस्ट अभी शार लेके आई, मैं कपड़े पहन रही थी और कई बार होता है आपकी नस खिंच जाती है बैक की, मेरी इस शोल्डर की नस खिंच गई है और आई थिंक मसल कैच है क्या है, मुझे स्प्रे डालना पड़ेगा और किसी की शादी हो रही है। हाउ रैंडम, कितनी रैंडम बात कर सकती हूँ मैं। तो मैं डाल रही हूँ ये स्प्रे, और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी सी चाय पीने, उसके बाद हम लोग बनाएंगे आलू के पराठे विथ दही। बोलो आलू के पराठे खाएगा? बोलो को आलू के पराठे बहुत पसंद है पर हम उसे खिलाते नहीं क्योंकि उसमें मसाला रहता है। सो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, अब मुझे आटा गूंदने भी जाना है। थोड़ी देर बाद मैं मिलती हूँ आपसे। सो हम लोगों ने अभी आलू का पराठा खाया था और वो बहुत ही यमी था, मैंने इससे पहले आप लोग देख चुके होंगे। और अब हम लोग क्या, मेरे हस्बैंड है ही नहीं यहाँ पे, तो अब मैं जा रही हूँ ग्रीन टी बनाने और साथ में बना रही हूँ गोलगप्पे का पानी क्योंकि उस दिन सो अनोइंग, मतलब हम लोग के एक नेबर शिफ्ट हुए हैं तो वहाँ पर कुछ काम चल रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ गोलगप्पे का पानी, उस दिन मैं बनाई थी पानी बट रिकॉर्ड नहीं करी थी पानी। पता है कई बार क्या होता है, मैं कुछ चीज़ें फीमेल वर्जन में बोल देती हूँ
हाँ, और ग्रीन टी और फिर मखनी दाल को भी रिकॉर्ड करने जाना है मुझे। और कल हम लोग जा रहे हैं अपनी फर्स्ट सोनोग्राफी के लिए। तो मेरे 6 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं, अभी 6 वीक्स और हैं जो थोड़े टफ रहेंगे। तो कल मेरी फर्स्ट सोनोग्राफी है, तो कल हम लोग सुबह जाएंगे और कल हमें बहुत सारे काम करने हैं, वो करेंगे। आई एम सो एक्साइटेड। तो मेरा मेन पर्पस थोड़ा लेट जाने का था, मतलब हम लोग को जाना था 8th या 9th वीक पे, बट क्योंकि मुझे क्रैम्प्स हो रहे थे तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार चल के दिखा भी दीजिए, एक सोनोग्राफी करा लीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पता चल जाएगी, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। सो अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे फिर गुंजिया मैं क्यों बोलती हूँ, गुजिया की, गोलगप्पे की, पानी की और मखनी दाल की रेसिपी को एडिट करना है। सो लेट्स गो। तो आप लोग को दिख रहा होगा मेरी रसोई किस तरह से फैली पड़ी है, क्योंकि मैंने आलू के पराठे बनाने के बाद साफ़ नहीं किया था इसे। अब मैं पहले साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना और गोलगप्पे का पानी। सो लेट्स स्टार्ट। अभी किचन साफ करी है, क्योंकि मैं एक ऐसा रूटीन बांध के चलती हूँ, जैसे मैं अगर सुबह का नाश्ता बना लूँ उसके बाद लंच बनाने से पहले किचन साफ़ करना, फिर लंच बनाने के बाद और फिर डिनर बनाने के बाद, ताकि सुबह मुझे किचन क्लीन मिले। तो ये 3 चीज़ आप फॉलो करेंगे तो आपकी किचन गंदी नहीं रहेगी, और साथ में जब आप खाना बनाएंगे तो हर चीज़ मेस्ड अप नहीं रहेगी। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर लंच के बाद आपने सफाई नहीं करी किचन की, तो आप मेरे बाल देखिए। हाँ, तो लंच के बाद अगर आपने किचन की सफाई नहीं करी तो सब कुछ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप होता है, सामान नहीं मिलता। और वहीं अगर आपने प्याज काटी है और वो किया है, समझ सकते हैं। तो हर चीज़, हर मील से पहले आपको अपनी किचन को, किचन की जो भी चीज़ें, उसे स्लैब वगैरह को साफ़ कर देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि घरों में ऐसा होता है कि खाना बनाया उसके बाद आप जस्ट साफ़ कर दो, जैसे आपका खाना ठंडा भी हो रहा है पर आपको पहले किचन साफ़ करनी है। नहीं, पहले आप खाना खा लो, मैं ये करती हूँ, पहले खाना खा लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद जाके साफ़ कर दो। सो मैं ये फॉलो करती हूँ, और साथ के साथ किचन साफ़ कर सकते हो आप तो बहुत अच्छी बात है। बोजो, बोनी बोजो यहाँ बैठ के सो रहा है, क्योंकि मैंने उस रूम, बोजो को रहना वहीं है जहाँ पे मैं रह रही हूँ, मतलब मेरे आसपास ही रहता है वो। अगर मैं रूम में एसी चला के रखूँगी तो मैं रूम बंद करके रखती हूँ, तो वो क्या करता है, रूम खोल देता है, तो एसी का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए मैंने सोचा कि कूलर चला दूँ। तो कूलर का एक फ़ायदा होता है कि कूलर से पूरा घर ठंडा होता है। जैसे यहाँ पे कोई फ़ैन नहीं चल रहा है हॉल में, कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ कूलर से पूरा घर ठंडा है। मैंने नेल पेंट मुझे लगानी थी, इतनी वाहियात नेल पेंट लगाई है मैंने, और मुझे फिर से इसे निकालना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है। पर मैंने इसलिए लगाई क्योंकि जब कुकिंग जोन में मैं काम करती हूँ तो कई बार नेल्स दिखते हैं, और मुझे इन्हें कट भी करना है, और आज ही मैं इन्हें कट करूँगी। तो कुकिंग जोन में जब हाथ दिखाते हैं ना, तो बहुत थोड़े हाथ अच्छे दिखने चाहिए। और पता नहीं क्या होता है, लाइटिंग का ऐसा सेटअप है या क्या है, मेरे हाथ है वो ना इतने डार्क लगते हैं ना, आप कुछ कोई वीडियो नोट करिएगा कुकिंग जोन की, ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ ही नहीं है वो। देखिए मेरे हाथ लड़कियों जैसे लग रहे हैं ना अभी, और उसमें मेरे हाथ लड़कियों जैसे नहीं लगते हैं, आप समझ सकते हैं कैसे लगते हैं। आई एम सो एक्साइटेड कल के लिए, आई एम सो 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 एक्साइटेड। मेरी लाइफ की फर्स्ट सोनोग्राफी है, आई एम सो एक्साइटेड। मेरे चेहरे पे देखिए ग्लो भी कितना अच्छा आ गया है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने इतने दिनों से कोई मेकअप ट्यूटोरियल शूट नहीं किया है, और मैं सिर्फ लिपस्टिक या काजल लगा के जा रही हूँ बाहर, मैंने एक हफ्ते से कोई मेकअप नहीं किया है। आई थिंक इस चीज़ का भी ग्लो हो सकता है, नो मेकअप, गर्मी में मेकअप करने का मन नहीं करता है। बट अब मैं क्या करूँगी, सैटरडे मतलब कल
जब आऊँगी वापस अगर टाइम से आ जाती तो ठीक है, वरना संडे मैं पूरा अपनी चांदनी ब्यूटी जोन के लिए डेडिकेट करने वाली हूँ। सारा काम मुझे उसी का करना है, क्योंकि कुकिंग जोन भी अब चल रहा है। कुकिंग जोन की मेरे पास 3 वीडियो हो जाएंगी, सो मैं कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हूँ पर उसके लिए भी। सो गाइस मैं अब पी रही हूँ ग्रीन टी, उसके बाद मैं आप लोगों से डायरेक्ट हम लोग चलते हैं खाना बनाने, डिनर बनाने। हाँ, व्लॉगिंग के लिए एक और फंडा अपनाया है मैंने। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे जो नेगेटिव नहीं थे और मैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और रियली बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। उन वो कमेंट ये थे कि उन लोगों ने जिनने भी कमेंट्स किए थे उन्होंने ये बोला था कि आप जैसे बात करते हो वो भी अच्छा है, और साथ में अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ भी दिखाते रहो तो वो भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आज मैंने आपको अपनी एक्टिविटीज़ दिखवाना शुरू किया है। अगर आपको ऐसे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो मैं और एक्टिविटी इंक्लूड करूँगी, जैसे अगर मैं सफ़ाई कर रही हूँ तो वो व्लॉगिंग, और अगर मैं खाना बना रही हूँ, अगर आपको जितने टाइम में मैं खाना बना रही हूँ घर में उतने टाइम आपको जो क्लिप चाहिए बनाने वाली और वो सब, तो वो सब मैं करने को तैयार हूँ। कई बार मैं बात नहीं कर पाऊँगी, उस बीच में म्यूज़िक डाल दूँगी, बट पूरी एक्टिविटीज़, किचन क्लीनिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में जो करते हैं हम लोग, और मैं शूट नहीं करती थी उन सबको। बट अगर आपको ऐसे व्लॉग पसंद हैं जो मैंने आज किया है, क्योंकि आज मैंने थोड़ी बहुत इंक्लूड करी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में पक्का लिखिए कि आपको मोर एक्टिविटीज़ व्लॉग चाहिए, क्योंकि जितनी एक्टिविटी मैं कर पाऊँगी उतनी मैं डालूँगी। सो नीचे कमेंट ज़रूर करिए। सुनो ना, सुनो ना, चलोगी? चलोगी तो बताओ, चले? कितने दिनों बाद कर रहे हो तुम? चलो चले, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? कहाँ थे तुम? चले गुम्मी, पप्पा पप्पा पप्पा, नानी नानी बोले ताई छोटी है लड़की। इतनी मुश्किल से उठाया है मैंने ऐसे अभी, वो भी ऐसे छिपकली प्रटेंड करके, मैंने ऐसे दीवार पे मारा, उसे लगा छिपकली और वो उठ गया। ये लामी तले तलो ना प्लीज, तले तलो तलो तले तलो तले तलो तले तले, ठीक है ना बोजी? ये अभी बहुत नींद में है। बोलो सैंडी का है, बोलो सुल्तान का है, सुल्तान 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 तुम्हारा खाना लेके जा रहा है, देखो। यू जस्ट वॉन्ट टू स्लीप। ये अभी जाएगा घूमने, घूमी करने। तलोगी ना, तलोगी ना, तलेंगे ना, तलेंगे ना। ओह माय, छोटी पाई छोटी पाई छोटी पाई। रूटीन बताती हूँ मैं आपको, वो सुबह जाता है 6 बजे घूमने, और हम लोग लेके जाते हैं थोड़ा लेट, शाम को ही लेके जाते, रात में लेके जाते हैं 10:30 बजे जब ये खाना खा लेता है। उसके बाद हम लोग इसकी बेल्ट खोलते हैं। आपको एक बार बताती हूँ, बोजो को बिल्कुल भी रोड की नॉलेज नहीं है, इस गाड़ी वाड़ी के बारे में कुछ ऐसा नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है। तो जब एकदम यहाँ पे गाड़ियों का आना बंद हो जाता है तो हम बोजो को लेके जाते हैं, और बोजो को हम छोड़ देते हैं तो बोजो बहुत अच्छे से दौड़ता है, क्योंकि अगर हम उसे लेके सिर्फ बेल्ट के साथ लेके जाते हैं तो वो दौड़ता नहीं है, तो हम उसे दौड़ने की वो कराते हैं, मतलब दौड़ेंगे। तो अभी इसने का जो स्टेमिना है वो काफ़ी बढ़ा है, और इसका जो वेट है वो रिड्यूस हुआ है 2 kgs। तो हम बहुत हैप्पी हैं, क्योंकि मई जून में बहुत गंदी गर्मी पड़ेगी, तो इसकी एक्सरसाइज चल रही है अभी। हेलो। और पग्स बोलते हैं फूडी होते हैं, बट बोजो का मैंने नोट किया है कि बोजो इतना फूडी नहीं है। वो कभी उसका जब मन होता तो वो बहुत अच्छे से खाता है, जब उसका मन नहीं होता तो नहीं खाता है। और हम लोग के वेट ने बोला है कि उसे ज़बरदस्ती मत खिलाइए, क्योंकि कई बार हम लोग उसे ज़बरदस्ती खिलाते थे तो वो वॉमिटिंग कर देता था, तो हम लोगों ने उसे ज़बरदस्ती खिलाना बंद कर दिया है। अब उसका जब मन है वो खाता है, जब मन नहीं है वो नहीं खाता। और उसकी एक बोन हम लोगों ने कंपलसरी कर दी है, वो है उसकी चिकन डेंटा स्टिक, उससे उसके दांत भी क्लीन होते हैं और उससे काफ़ी एनर्जी मिलती है, तो वो एक बोन डेली खाता है वो। और अभी बोजो का मिशन क्लीनिंग शुरू हो चुका है, वो अपने आप को क्लीन कर रहा है।
अभी थोड़ा घूमने, मेरे हस्बैंड मुझसे बोलते हैं कि थोड़ा बाहर निकला करो, है ना। आपको कुछ खाना पीना होगा ना खाली जैसे? मुझे सच में कुछ नहीं खाना है। आपने देखा मैंने गोलगप्पे की तैयारी कर ली और मखनी दाल का पूरा सामान तैयार करके रख लिया, मैं आके उसे छौंकती हूँ। अच्छा ही चलते हैं। रे पानी लिया? नहीं। हाँ ना, प्यासी मार दो मुझे तुम। अरे बोलो घुमाने जाएंगे तो आप भी चलोगी ना? क्यों नहीं चलोगी? चलोगे, हम बोधो के साथ, बोधो के साथ राजा पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। रे कैसे खेलते? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आज वो शाम से मेरे पीछे पड़ा है चलने के लिए, और वो अभी पड़ा था तो अभी हम उसे लेके जाएंगे आने के बाद, क्योंकि हम लोग लेट हो जाएंगे वरना। तले सो हम लोग थोड़ा घूमने आए थे और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। खाया पिया कुछ नहीं है। हम लोगों ने वो मच्छर मारने वाला रैकेट लिया है क्योंकि बहुत मच्छर हो रहे हैं, और बस ये सब लिया। अब हम लोग घर जा रहे हैं और मैं घर जा कर आपसे डायरेक्ट बात करती हूँ। सो हम लोग आए थे, उसके बाद लाइट नहीं थी बहुत देर तक, और इन्वर्टर से पूरी लाइट ही नहीं जलती है, तो मैंने बहुत देर तक तो मखनी दाल की रेसिपी शूट नहीं करी क्योंकि मुझे लगा कि एक बार लाइट आ जाए उसके बाद करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अभी शूट करी है, वो मखनी दाल तैयार है और मेरी थोड़ी तबीयत अजीब टाइप की हो रही है। सो मैं इस व्लॉग को अब एंड कर रही हूँ। आज टाइम नहीं बता सकती, आज पानी की रेसिपी आ जाएगी गोलगप्पे की, तो वो जाके चेक करना मत भूलिए। प्लीज़ जाके चेक करिए गोलगप्पे की, पानी की सबसे सिंपल रेसिपी है। और अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, और कल आएगी एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो, उसे देखना मत भूलिए, एक्साइटिंग ब्लॉग, सो उसे देखना मत भूलिए। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन ऑल माई सोशल मीडिया लिंक्स विच आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय।